हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं पलवल जिले में भी लगातार संक्रमित मरीजों को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं और ऐसे 22 आइसोलेशन वार्ड पलवल जिले में बनाए गए। साथ ही जिले के सभी आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है और इन आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की गई है। इसके अलावा मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था भी की गई। जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी मरीज को प्राइवेट अस्पताल में बेड उपलब्ध ना हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि नागरिक अस्पताल पलवल में संपर्क कर अपना इलाज करा सकते हैं। जिले में हम लगभग अभी तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनको कि अभी 4500 उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। और आगामी चरण में जैसा कि सरकार द्वारा हिदायतें प्राप्त हो रही हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है पूरे जिले में, और जिसका पूरे जिले का लगभग लक्ष्य 4.5-5 लाख के करीब रहेगा। हमारी टीमें पूरी उत्साह के साथ अपने टीकाकरण कार्यक्रम को कर रही हैं, परंतु जैसा कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो लोगों से अपील ही है जब भी वो वैक्सीनेशन के लिए आए, सैनिटाइजर साथ में लाएं, मास्क लगा कर आए और वैक्सीनेशन पर उचित दूरी का बनाकर जरूर बनाकर रखें, ताकि हम ये ना हो कि हम महामारी में वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने घर ले जाएं। आज फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड करके, और ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित है और इसको जरूर से जरूर जनता से मेरी अपील है, सभी लोगों से अपील है कि इसको जरूर लगवाएं। और ये लगाने से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड में ये रहेगा कि यार मैंने थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लिया है और आगे भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कवर रहेगा। पलवल की हूँ और ये सेकंड डोज लगी है मेरे, और इससे कोई परेशानी नहीं है, सबको लगवानी चाहिए, इससे बीमारियाँ दूर भगेंगे।